अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार मटर पुलाव। आइए देखते हैं मज़ेदार मटर पुलाव बनाने की तरकीब क्या है। सबसे पहले हमने ले लिए हैं मटर, चावल हैं आधा किलो और तकरीबन आधा किलो ही मटर हैं। ये देखें, ये मिक्स गरम मसाला है, इसमें तेज़पात के पत्ते हैं, साबित लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी के टुकड़े हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है हरी मिर्चें जिनको कट कर लिया है, टमाटर हैं दो और प्याज के स्लाइस काट लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन दो चमचे, एक चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है सफ़ेद और नमक हसबे ज़ायका। ऑयल ले लेंगे हम, ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और उसके अंदर मैं पहले थोड़ी सी प्याज गार्निश के लिए ब्राउन करूंगी। प्याज देखे मैंने लाइट ब्राउन कर ली है, अब इसमें बाकी प्याज डाल दूंगी मैं। मैंने बाकी की सारी प्याज इसमें डाल दूंगी और इसको हम हल्का हल्का सोते कर लेंगे, इसको ज़्यादा डार्क कलर की नहीं करना। प्याज हमारी तैयार है, अब मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें गरम मसाला खड़ा, तेज़पात के पत्ते, दो बड़ी इलायचियाँ हैं, एक बादियान का फूल भी था और ये काली मिर्चें, दालचीनी वगैरह सारी मैंने इसमें शामिल कर दी। इसको हम प्याज के साथ ही हल्का सा फ्राई करेंगे, साबित लाल मिर्चें और ये जायफल जावित्री है जिसको मैं बाद में पीस के डालूंगी इसके अंदर। अब इसको मैंने अच्छी तरह इन्हीं के साथ प्याज के साथ फ्राई कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हरी इलायची में डालना भूल गई थी, अब हरी मिर्ची और टमाटर को इसमें डाल देंगे हम। नमक भी शामिल करेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और ये मैंने उनका पाउडर बना लिया था जायफल जावित्री का, वो भी इसमें शामिल कर दिया। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं अभी, लेकिन थोड़े खड़े खड़े हैं। अब इसमें मैं मटर शामिल कर दूंगी। मटर का सीज़न है चूँकि, इसलिए इनको इतना ज़्यादा गलाना नहीं पड़ता है ना इसमें इतना टाइम लगता है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, बिल्कुल हल्का सा, कि टमाटर और सारे मसाले इनमें अच्छी तरह एक दूसरे में जज्ब हो जाए। इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे हम। मेरे तकरीबन आधा किलो के करीब चावल थे तो 3 कप थे, तो मैंने 4 कप पानी शामिल किया इसमें और अपने चावल जो आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं, नीचे पानी तो नहीं है, पानी खुश्क हो चुका है। इसको बस अब हम दम पे रखेंगे, वो
बहुत ही सिंपल सी और सादा सी रेसिपी है, कम मसालों से बनाई जाती है, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये देखिए हमारे मटर पुलाव तैयार है, इनको डिश आउट करेंगे बस दम देके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसे लगी। मुझे तो बहुत पसंद है मटर पुलाव। ये देखिए हमारी डिश तैयार है बिल्कुल। इसको अचार के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, जिसके साथ आप सर्व करें, ये वही अचार है जो मैंने अभी बनाया था। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त।